किसी व्यापार को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रॉफिट के साथ चालू रखना बहुत मुश्किल। किराना बिजनेस का काम पूरी तरह मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। जिसका जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसका उतना ही अच्छा बिजनेस। जो व्यक्ति बारीक से बारीक बातों पर ध्यान देगा और उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगा, वह व्यक्ति उतना ही सफल बिजनेसमैन होता है। लेकिन देखा गया है कि किराना व्यापारी छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करता रहता है, जो समय आने पर बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। इससे व्यापारी टेंशन में आ जाता है, इससे व्यापार प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों में किराना व्यापारियों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली 10 प्रमुख मुश्किलें कौन कौन सी आती हैं, उन्हें जानते हैं और इनके समाधान क्या हो सकते हैं, इनका पता लगाते हैं। सप्लाई अधिक, बढ़ता कॉम्पिटिशन। देखने में आया है कि किराना के बिजनेस को बहुत आसान मानकर हर कोई इस काम को शुरू कर देता है। इससे ये होता है कि जितनी डिमांड होती है, उससे कई गुना अधिक सप्लाई हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जिस क्षेत्र में 4 ही किराना स्टोर हैं, वहाँ के रहने वालों की जरूरत का सामान सप्लाई करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर 10-12 दुकानें खुल जाती हैं, तो उस क्षेत्र में किराना बिजनेसमैन में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए होड़ मच जाती है, जिससे किराना व्यापारी को अनेक मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। समाधान: आप अपने कस्टमर पर ध्यान दें और उसे हर तरह से संतुष्ट रखें। यदि कोई होड़ में ऑफर या स्कीम या सेल लगाकर आपके कस्टमर तोड़ना चाहे, तो आपको भी अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकालनी होंगी जिससे ग्राहक आपकी दुकान ना छोड़कर जाए। आप अच्छे कैरी बैग दें, क्वालिटी में सुधार करें, नई डेट के ब्रांडेड सामान रखें, ग्राहकों को फायदे वाली स्कीम्स का सामान लाएं। साथ ही आप अपने मधुर व्यवहार से ग्राहक को विश्वास दिलाएं कि वो आपको सही दाम पर चीज दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी दुकान के पास ही फल और सब्जी की छोटी सी दुकान लगवा लें, तो उसका भी फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। ग्राहकों का टूटना: जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है, तो किराना व्यापारियों में ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए होड़ मच जाती है। इसके लिए नए नए व्यापारी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह की स्कीम्स ऑफर चलाते हैं। इससे ग्राहक वहां चला जाता है जहां पर उसे सबसे ज्यादा लाभ मिले। इसको लेकर किराना व्यापारियों में आए दिन मुश्किलें आती रहती हैं। समाधान: ऐसे बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो किसी एक शॉप से सालों तक लगातार सामान लेते रहते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो दुकान बदलते रहते हैं। ऐसे में दुकानदार को चाहिए कि वो अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखे, खासकर उन ग्राहकों का जो उसके साथ सालों या महीनों से जुड़े हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए जो 2, 3 या 6 महीनों से लगातार एक दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उनको कुछ डिस्काउंट, ऑफर, गिफ्ट आदि दे सकते हैं, जिससे ग्राहक को अच्छा लगे और वो आपकी दुकान से भावात्मक और व्यवहारिक तौर पर जुड़ जाए। मार्केटिंग की समस्या: किराना स्टोर के संचालक अपने बिजनेस में मार्केटिंग को महत्व नहीं देते हैं। जो लोग अपनी मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं और उस पर कोई खर्च नहीं करते हैं, तो उनके ग्राहक सीमित ही रहते हैं और नई दुकान खुलने पर वो वहां चले जाते हैं। जब दुकान टूटने लगती है, तो फिर मार्केटिंग पर अनाप शनाप पैसा खर्च करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि मुनाफे से अधिक मार्केटिंग पर खर्चा कर दिया, तब टेंशन बढ़ जाती है। समाधान: आपको चाहिए कि समय समय पर मार्केटिंग पर सही तरह से ध्यान दें, उसका एक बजट बनाएं और उसी बजट में मार्केटिंग कराएं। आज के कंपटीशन वाले जमाने में आपको नए नए फंडे इस्तेमाल करने होंगे, इसलिए आप अपनी मार्केटिंग और कस्टमर डीलिंग का सही तरह से मैनेजमेंट करें। आपकी ये समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। ब्याज की टेंशन: यदि कोई बिजनेसमैन लोन लेकर बिजनेस शुरू करता है, उसे हर महीने लंबी चौड़ी रकम ब्याज के रूप में चुकानी होती है। यदि प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता है कि ब्याज की रकम चुकाई जा सके, तो बिजनेस सिमटने लगता है। इससे व्यापारी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। व्यापारी के इस टेंशन का बिजनेस पर असर पड़ने लगता है, जो इस बिजनेस के लिए सबसे अधिक घातक है। समाधान: आप लोन लेकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाएं और ये तय करें कि लोन का ब्याज और लोन की रकम किस तरह से चुकाई जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया है, तो आप बिजनेस की फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। हर खर्चे से पहले ये ध्यान रखें कि आपको ब्याज की रकम भी देनी है। संभव हो तो कोई साइड बिजनेस भी अपने साथ जोड़ लें, जिससे नए नए कस्टमर भी आपके पास आए। इससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी समस्या का समाधान निकल पाएगा। प्रोडक्ट मैनेजमेंट की मुश्किलें: किराना स्टोर में मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैनेजमेंट से अपनी दुकान की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश किराना व्यापारी इस ओर ध्यान नहीं देते। नियम तो ये है कि जो माल पहले आया है, उसे पहले ही बेचा जाना चाहिए। इस पर ध्यान नहीं देने से माल की एक्सपायरी डेट निकल जाती है, बहुत सा सामान नॉट फॉर सेल यानी बिक्री के लिए नहीं हो जाता है, जिससे किराना बिजनेसमैन को नुकसान उठाना पड़ता है। ये मुश्किल धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। समाधान: अब आपको वो चाहिए कि एक्सपायरी डेट वाले सामान का विशेष ध्यान रखें, उसकी एक लिस्ट बना लें, पुराने माल को सबसे आगे रखते जाएं और नए माल को उसके पीछे रखें, ताकि कोई ग्राहक जब सामान उठाए, तो उसे पुराना माल पहले मिले।
इससे आपको एक्सपायरी डेट वाले सामान को बेचने के लिए समय मिल जाएगा, आपका सामान भी आसानी से बिक जाएगा। लिस्ट बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि पिछले महीने कौन सा सामान अधिक बिका और कौन सा सामान कम बिका। ज्यादा बिकने वाले सामान को अधिक मात्रा में लगाएं और कम सामान बिकने वाले को कम खरीदें। इस तरह से आपको नुकसान नहीं होगा और बिजनेस का टर्नओवर भी सही तरीके से चलता रहेगा। वर्कर मैनेजमेंट। किराना स्टोर में बिजनेसमैन अपने वर्कर्स के भरोसे सारा बिजनेस छोड़ देते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा वर्कर पूरी वफादारी से अपना पूरा काम कर रहे हैं, हमें इसे कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। पता चलता है कि वर्कर की लापरवाही से आपको बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है। जब हिसाब किताब जोड़ने का समय आता है कि आपका खर्चा अधिक हो गया और मुनाफा कम, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। समाधान। आपको आपके वर्कर यानी मैन पावर पर नजर रखनी है कि कहीं आपका सामान चूहे तो नहीं खा रहे, दीमक तो नहीं लग रही, वहीं कोई सामान दबा तो नहीं है जो कुछ दिन बाद बेकार हो जाएगा, कर्मचारी होने वाले नुकसान को छिपा तो नहीं रहे, कर्मचारी ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। इन सब बातों का ध्यान समय समय पर देना होगा क्योंकि इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है। कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग किराना बिजनेस की जान होती है। इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव आने से बिजनेस पर सीधा फर्क पड़ता है, चाहे बिजनेसमैन हो या उसके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति। यदि दुकान पर आने वाले ग्राहक से किसी तरह का खराब व्यवहार करता है तो ग्राहक टूट जाता है। ग्राहक के टूटने से दुकान का माहौल बदलता है। जब ग्राहक टूटने लगे तो किराना व्यापारी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। समाधान। ग्राहक व्यापारी के लिए भगवान के समान होता है, उसका आदर सम्मान करने से तरक्की होती है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर बिजनेस करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की गलती होने पर सबसे पहले ग्राहक से माफी मांगनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कस्टमर को किसी तरह की समस्या होती है तो वो दुकानदार को बताता है, दुकानदार की ओर से रूखा जवाब मिलता है तो वो निराश हो जाता है, फिर उस दुकान पर जाना बंद कर देता है। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखें, थोड़ा बहुत नुकसान सहकर ग्राहक को संतुष्ट करें, क्योंकि ग्राहक रहेगा तो नुकसान की भरपाई हो सकेगी। ग्राहकों की घटती संख्या। कंपटीशन, दूसरी दुकानों के ऑफर, स्कीम्स, खराब व्यवहार आदि के कारण जब ग्राहकों का घटना शुरू हो जाता है तो किराना बिजनेसमैन की टेंशन लगातार बढ़ती है। समाधान। रेगुलर ग्राहक किसी भी संस्था की पूंजी के समान होते हैं। अक्सर देखा गया है कि नए ग्राहकों की तलाश में दुकानदार पुराने ग्राहकों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये पुराने ग्राहक अपने ही घर के लोग हैं, इन्हें हम अपनी तरह से डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने ग्राहक आपके लिए एक स्थायी पूंजी की तरह होते हैं। पुराने ग्राहकों को अपने पास बनाए रखकर नए ग्राहकों की तलाश करें, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, वरना पुराने ग्राहक चले जाएंगे तो आपकी पूंजी ही टूट जाएगी। उधारी और रकम डूबने की टेंशन। आज के ज़माने में वैसे तो किराने के बिजनेस में उधारी नहीं चलती, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ऑनलाइन में भले ही उधारी नहीं चलती, लेकिन ऑफलाइन में जहां आप दुकान खोल बैठे हैं वहां आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार भी माल देना पड़ता है। उधार लेने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही उधार लेकर पल्ला झाड़ने की होती है। पहले एक दुकान से उधार लिया, दुकानदार ने उधारी वापस मांगना शुरू की तो दूसरी दुकान से सामान लेने लगे, इसके बाद वहां भी उधार लिया और तीसरी दुकान में चले गए। इस तरह से दुकानदार की टेंशन बढ़ती रहती है। समाधान। ओके क्रेडिट अपनाएं। ये एक बहुत ही सरल और आसान एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। इसके जरिए आप आसानी से अपना उधार वापस पा सकेंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। ओके क्रेडिट के जरिए आप ग्राहक को पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप SMS, WhatsApp के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आपको अपनी दुकान का नियम ही बना लेना चाहिए कि उधार माल नहीं बेचेंगे, भले ही कम माल बिके। यदि इससे काम नहीं चलता तो आप ग्राहक को परख कर उधार दें। कोशिश करें कि उधार कम से कम हो और खरा पेमेंट करने वाले को हो। उधार दें, तकादा समय पर खर के अपने फंसी हुई रकम निकालते रहें। शुरू शुरू में दुकान चलाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उधार देना बंद कर दें। लालच में फंसने से होती है टेंशन। आप अपने किराना स्टोर के लिए जब होलसेल व्यापारी या एजेंट से सामान बुक कराने की कोशिश करते हैं तो ये होलसेल व्यापारी और एजेंट आपके फायदे के लिए अनेक तरह की स्कीम्स बताते हैं। ये लोग अपना वो माल अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करते हैं जो बिकने वाला नहीं होता है। यदि आप उनके प्रलोभन में फंसकर पूंजी फंसा देते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। समाधान। होलसेल व्यापारी और एजेंट द्वारा बताई जा रही स्कीम्स पर एकदम विश्वास ना करें, उन्हें मना भी ना करें। अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप होलसेल व्यापारी या एजेंट की बात मानकर नुकसान तो नहीं उठाने जा रहे हैं, तभी उस स्कीम वाले सामान का ऑर्डर करें, अन्यथा नहीं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।